शिप से यूजेस लकड़ी रहता है ना, तो ऐसा रहता है लकड़ी का, ये आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा नहीं, बोलेंगे इससे बेहतर तो नया ले लेना। हाँ, नया ले आप ये मटेरियल देखिए, देख लिया तो हमने अच्छे से रंधा मार के तैयार किया। हाँ, आपको 2 mm जितना रंधा लगाना है उसका, इसका मटेरियल देखिए, ये आपको क्वालिटी बाजार में मिलने वाला नहीं दोस्तों, ये खाली अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में ही मिलने वाला है। एक फ्रेश एपिसोड पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत समय के बाद आज हमारी चैनल पे आ रहा फिर से एक वुडन का लकड़े का वीडियो, जो कि अलंग शिप में से निकलने वाले टोटली लकड़े हैं। जी दोस्तों, आज हम जहाँ इन्फॉर्मेशन लकड़े की लेने आए हैं, वो प्लॉट का नाम है हिंदुस्तान वुडन। जी दोस्तों, इस प्लॉट के एड्रेस की बात करें तो एग्जैक्ट ये त्रापज रोड अलंग हाईवे डिस्ट्रिक्ट भावनगर अलंग। जी दोस्तों, ये यहाँ का एड्रेस है। अब इस प्लॉट की ज्यादा जानकारी लेंगे हम ओनर से। ये अफ्रीकन पैन की लकड़ी है और वेट में ज्यादा आती है, गन फिट के हिसाब से ये लकड़ी 28 केजी की गन फिट होती है। और ये सबको मजदूर ग्राहक को ध्यान में नहीं आती ना, इसीलिए देखिए ऐसी लकड़ी होती है, उसको 2 mm जितना रंधा लगाए ना तो लकड़ी इतनी एकदम साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है एकदम, बाद में ग्राहक को एकदम पसंद हो जाती है। जी, मतलब ये दोस्तों आप देखिए। हाँ, देख लीजिए, बताइए। ये जब शिप से यूजेस लकड़ी रहता है ना, तो ऐसा रहता है। हाँ, लकड़ी का ये आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा नहीं, बोलेंगे इससे बेहतर तो नया ले लेना। हाँ, नया ले लेना। आप ये मटेरियल देखिए, देख लीजिए तो हमने अच्छे से रंधा मार के तैयार किया। हाँ, आपको 2 mm जितना रंधा लगाना है उसका मटेरियल देखिए, ये आपको क्वालिटी बाजार में मिलने वाला नहीं दोस्तों, ये खाली अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में ही मिलने वाला है। अगर तो अंदाज से इसकी प्राइस की बात करें तो ये क्या इसकी प्राइस क्या रहेगी सर? इसकी प्राइस 45 रुपए के करीब केजी होगी। 45 रुपए पर केजी। हाँ, फिर आइटम इससे भी बढ़िया होगा तो 50 भी हो सकता है। हाँ, और 55 भी हो सकता है, और 40 भी हो सकता है। और उसको आप 10 साल जमीन के अंदर डाट के रखो ना, फिर भी उसको कुछ होने वाला नहीं है। मतलब मटेरियल बेस्ट है और अलग शीप ब्रेक का ओरिजिनल मटेरियल। और अगर केजी की बात करें तो सर ये केजी में कितना आता है, कोई आईडिया? वो 28 केजी पे स्पेयर कंप्लीट होती है। ये जो पूरा लकड़ा है ये कितने केजी का होगा आईडिया से? ये 32 केजी का है, ये 32 केजी का, और 7.5 लंबा है, 7.5 फीट लंबा है। मोटाई 3 इंच है, चौड़ाई ऐसे 7.5 इंच है। हमारे यहाँ रेड पेन, देवदार और सागवान की लकड़ी मिल जाएगी आपको। टोटली शिप का लकड़ी है, इंडियन की लकड़ी कोई भी यहाँ नहीं मिलेगी आपको। और कई सब्सक्राइबर हमारे जानना चाहते हैं सर ये लकड़ा शिप का है तो ये शिप में कहाँ कहाँ यूज होता है, आपको कोई आइडिया? शिप में वो नीचे लगाया हुआ आता है, डेक में लगाया हुआ आता है। जी, और कहाँ कहाँ लकड़ी का यूज होता है, कोई आइडिया आपको? लकड़ी जब केबिन में यूज होता है और गली में लगाया हुआ आता है। गली में भी लगाया। हाँ, और अगर हम लकड़ी की प्राइस की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसा लकड़ी वैसा प्राइस रहता है, लेकिन लकड़ी की प्राइस 20 रुपये से लेकर स्टार्ट होके सागवान की देखे तो उसकी प्राइस 160 तक पहुंच सकती है। 20 रुपये से स्टार्ट हो गया, 160 रुपये तक की लकड़ी पहुंच सकती है। जी सर, ये कौन सा मटेरियल है सर? ये देवदार की लकड़ी है। जी, उसको 2 mm रंधा लगाना पड़ेगा और ये साफ लकड़ी आएगी। ये लकड़ी आपको जो मकान बनाता है ना उसमें यूज होती है। और सर प्राइस क्या रहेगा? उसकी प्राइस 35 रुपये के करीब केजी के हिसाब से रहेगी। ओके, अगर अंदाज से ये एक में कितना वजन रहेगा, आइडिया कोई सर? उसमें एक में वजन रहेगा 35 केजी के करीब, लेकिन चौड़ाई में 9 इंच है और लंबाई उसकी 8 से 9 10 फीट के करीब है। ये 9 इंच में सर, और दोस्तों ये 10 फुट है वो, और ये देवदार है। तो साफ निकलेगा। अच्छा, और ये 16-17 केजी पे कन्फिट होगी। जी सर, ये कौन सा मटेरियल है? वो भी देवदार का ही लकड़ी है, लेकिन ये फर्नीचर बनाने में काम यूज आता है ये, और ये
वेट वेट में भी कम रहता है और रेट में भी कम रहता है ये। ओके, हमारे पास ये कौन सा मतलब कितने फीट में अवेलेबल है ये मटेरियल? ये इसमें टुकड़ा भी आता है और लंबा भी आता है, सब मिक्स आता है ये। मिक्स में आता है ये। दस फीट तक है? नहीं, लंबाई में ज्यादा लंबा 12-15 फीट के करीब ही है और वो 3 फीट तक भी आता है उसमें। और वो देवदार इसमें प्राइस में कोई डिफरेंट रहेगा? डिफरेंस ये कम रेट आएगा उसका, ये कम प्राइस में आता है। ये आएगा 32-33 के करीब केजी के हिसाब से। जी सर, हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहेंगे जो आप लकड़ा ये बेचते हैं उसमें किसी भी में आप गारंटी वारंटी प्रोवाइड करते हो सर? यस, इसमें जो पेन का लकड़ी है ना उसमें 10 साल तक की गारंटी हम दे सकते हैं। ये बैंड नहीं होता है, नहीं उसमें उधई लगती है, कुछ नहीं होता है उसमें। और ऑलरेडी ये तो दरिया में यूज हुआ है? हाँ, दरिया में यूज। मटेरियल अच्छा है ना? हाँ, तो दरिया का तो खारा पानी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो अपने पानी में तो क्या होगा? नहीं, कुछ होने वाला ही नहीं है उसमें। और हमारे सब्सक्राइबर भी हमें पूछते रहते बार बार कि आपने जो वीडियोस में रेट बताए, अगर हमें क्वांटिटी में कोई चीज लेनी है तो क्या इसमें भाव में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है? जो सामने ग्राहक सामने आए तो सामने बैठे तो कितना माल लेना है, कैसे माल लेना है, वो हिसाब से सामने बैठे तब तो रेट में बार्गेनिंग चढ़ती बढ़ती हो सकती है। जी। और माल अलग अलग चला भी जाता है और दूसरा माल भी आ सकता है, तो वो हिसाब से माल में रेट में डिफरेंस हो सकता है। जी। और हमारे सिस्टम पर बहुत सारे ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या अलंग में ऑल इंडिया में ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है? यस, हो सकता है। जी, नो प्रॉब्लम दोस्तों, अगर आपको अलग आए और ट्रांसपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बट मेरे ख्याल से आप जिस भी प्लॉट में से माल रखेंगे वहीं से आपको ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाया जाएगा। जी, और एक हमारा क्वेश्चन कि आपका बिजनेस टाइम कौन सा रहेगा जिससे हमारे सब्सक्राइबर आपको कॉलिंग कर सके या व्हाट्सएप पे बात कर सके? सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक। जी दोस्तों, सुबह 9 बजे से लेके 6:30 बजे तक आप इनको कॉल कर सकते हो, आपको सही सही उत्तर दिया जाएगा। अगर आपको किसी लकड़े वगैरह की फोटोज चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड की जाएगा, नो प्रॉब्लम। मगर आप कभी भी कॉल करें तो इनको बिजनेस टाइम में कॉल करें। जी, थैंक यू।